नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 20 अगस्त 2024 मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। अजमेर में हुए 32 साल पहले देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के बाकी बचे 7 में से 6 आरोपियों नफीम चिश्ती, नफीम सोहिल सैनी, सैयद जमीर कोर्ट ने दोषी मानकर उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी है। एक आरोपी इकबाल भाटी को एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली से अजमेर लाया गया है और बाकी आरोपी पहले से ही कोर्ट में मौजूद थे। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया था। मामले में 18 आरोपी थे, 4 सजा मुक्त हो चुके हैं और 4 को हाईकोर्ट दोषमुक्त कर चुका है। राजस्थान में झीलों की नगरी उदयपुर शहर के एक सरकारी स्कूल में हुई चाकूबाजी की घटना में छात्र की मौत से उपजे तनाव के बाद मंगलवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही, जबकि स्कूल व कॉलेज बंद रहे। संभागीय आयुक्त ने सोमवार शाम को आदेश जारी कर उदयपुर नगर विकास क्षेत्र में पिछले दिनों बंद की गई इंटरनेट सेवाओं को अगले 24 घंटे तक बढ़ा देने के आदेश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षकों डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या मामले के मंगलवार को स्वतः संज्ञान सुनवाई करते हुए चिकित्सकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है। अदालत ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में आज केंद्रीय जांच ब्यूरो के अलावा पश्चिम बंगाल सरकार को अलग अलग जांच प्रगति वितरण 22 अगस्त तक पेश करने का निर्देश दिया। मॉनसून की बारिश ने राजस्थान को तरबतर कर दिया है। अभी मौसम ने नई भविष्यवाणी जारी की है। मौसम विभाग ने राजस्थान के 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें से जयपुर, भरतपुर, बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, सीकर, चूरू जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में 22 अगस्त से कुछ जिलों में फिर से मॉनसून सक्रिय होने की भी संभावना है। राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव आयोग ने तारीख का ऐलान कर दिया है। प्रदेश के साथ साथ 12 सीटों के लिए जल्द ही 9 राज्यों में उपचुनाव आयोजित होंगे। राज्यसभा सीटों में से एक सीट हाल ही में लोकसभा चुनाव के दौरान खाली हुई थी। राजस्थान में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, भारतीय जनता के पास इसको जीतने के लिए पर्याप्त बहुमत है। पीटीआई भर्ती 2022 परीक्षा फर्जी तरीके से पास करने वाले 20 आरोपियों की एसओजी ने पहचान कर ली है। एक के खिलाफ केस दर्ज भी कर लिया है और सभी 20 पीटीआई ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर और डमी कैंडिडेट्स बिठाकर परीक्षा पास की है। आरोपियों के खिलाफ शिकायतें एसओजी हेल्पलाइन नंबर पर मिल रही है। पीटीआई भर्ती परीक्षा को लेकर हेल्पलाइन नंबर पर 2700 से अधिक शिकायतें मिली है। जांच में सामने आया है कि कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के प्रवेश पत्र में फोटो और हस्ताक्षर को एडिट किया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी तथा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उनके सपनों को पूरा करेगी। प्रधानमंत्री की 18वीं जयंती पर आज उन्हें याद करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजस्थान के सबसे बड़े शिक्षा विभाग में लगातार आदेशों के यू टर्न से व्यवस्था बेपटरी हो रही है और इससे शिक्षकों में भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सरकार की ओर से दावा किया गया था कि विद्यालय विकास समितियों की चर्चा के बाद ही अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के संचालन को आगे बढ़ाया जाएगा और इसके बाद ही अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में हिंदी माध्यम के शिक्षकों से आवेदन लिए गए और वहीं विद्यालय में मोबाइल पर पाबंदी के रोक को लेकर भी शिक्षा विभाग का संशोधन जारी करना पड़ा। इसके बाद 37,000 से अधिवेश शिक्षकों के समायोजन के फरमान जारी हुए, लेकिन जब शिक्षक संगठनों ने विरोध जताया तो इस आदेश को भी निरस्त करना पड़ा। राजस्थान में उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। अभियान की शुरुआत में वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल कॉलेज पहुंचे किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि आपदा मंत्री बाढ़ में घूम रहा है, मैं भरतपुर करौली घूम कर आया हूं, भगवान न करे कहीं फिर से बाढ़ आ जाए। हेलीकॉप्टर को लेकर बेवजह विवाद पैदा किया जा रहा है और इस मुद्दे पर मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं तो सड़क छाप आदमी हूं, सड़क पर घूमता हूं, मैं पार्टी मुख्यमंत्री या फिर किसी व्यक्ति से नाराज नहीं हूं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 अगस्त को जोधपुर आगमन को लेकर मारवाड़ के लोग उत्साहित हैं, उनके स्वागत के लिए आतुर हैं। सर्किट हाउस से मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। जब उच्च न्यायालय अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है, अमृतकाल की इस बेला पर प्रधानमंत्री के सानिध्य में कई कार्यक्रमों का समापन होगा। राज्य सहकारी बैंक और सभी 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों में एमडी की नियुक्ति के मामले में राजस्थान सरकार आमने सामने हो गई है। बैंकिंग अधिनियम के तहत एमडी की नियुक्ति को लेकर आरबीआई ने जो निर्देश दिए थे उन्हें राज्य सरकार ने नहीं माना।
आरबीआई ने इस नियुक्ति को अमान्य बताया है और चेताया है कि यह मान्य तभी होगा जब कानूनन नियुक्ति से पहले आरबीआई की अनुमति ली जाए। राज्य सरकार ने 13 जून को अपेक्स बैंक के एमडी का जिम्मा सहकारी सेवा के अधिकारी धन सिंह देवल को दिया था। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य के दौरान यदि मोबाइल की घंटी बजी तो किसी की खैर नहीं होगी। इस आशय को लेकर माध्यमिक शिक्षण निदेशालय बीकानेर के निदेशक ने प्रदेश के समस्त सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को निर्देश जारी किए हैं। कालान समय के पश्चात मोबाइल में यदि कोई जरूरी कॉल आता है तो उसे देखकर सिर्फ जरूरी बात ही की जा सकेगी। हनुमानगढ़ की भादरा थाना पुलिस ने बसों में महिलाओं से चैन स्नैचिंग करने वाले गिरोह का मंगलवार को खुलासा किया। मामले में पुलिस ने 2 महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तीनों आरोपी चूरू जिले के सहावा के निवासी हैं और पुलिस अभी इन गिरोह से लगातार पूछताछ कर रही है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने 9 शहरों में निकली 3001 मकानों की स्कीम के लिए आए आवेदनों को जल्द ही लॉटरी निकालेगा। इन सभी योजनाओं में 38,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं और इसमें सबसे ज्यादा रुचि लोगों ने उदयपुर की गोवर्धन विलास योजना में दिखाई है, जबकि धौलपुर भिवाड़ी की योजनाओं में एक भी आवेदन नहीं आए हैं। बोर्ड के मुख्य संपदा प्रबंधक प्रवीण कुमार ने बताया कि जयपुर के प्रतापगढ़ और हनुमानगढ़ के डीटीओ बाड़ी रोड 4-5 की योजना के लिए अपडेट नहीं बढ़ाई जाएगी। 4 बार तारीख बढ़ाने के बाद लोगों का जो रुझान था वह आ चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के नगरीय निकायों में विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव श्रीमती संचिता बिश्नोई ने प्रदेश के 11 जिलों के अंतर्गत 12 नगर निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य के रिक्त पदों के लिए उपचुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि सदस्य पद के लिए उपचुनाव के लिए मंगलवार को सूचना जारी कर दी गई है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 अगस्त शनिवार प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक है। पत्रों की समीक्षा 27 अगस्त को सुबह 10:30 बजे की जाएगी और वही 29 अगस्त गुरुवार को 3 बजे तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकेंगे। चुनाव चिन्हों का आवंटन 30 अगस्त शुक्रवार को किया जाएगा। 5 सितंबर गुरुवार को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान किया जाएगा और वहीं 6 सितंबर शुक्रवार को सुबह 9 बजे मतगणना की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।